बीजेपी एक्शन मोड में है, उद्धव भी तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की लड़ाई जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि आगे गवर्नर क्या करेंगे, क्योंकि गेंद अब गवर्नर के पाले में है। छह दिन के सियासी संकट के बाद आज महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने पहुंचा। शिंदे गुट से लेकर शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिग्गज वकीलों की फौज मौजूद थी। दलीलों का दौर शुरू हुआ। आखिरकार सबकी बात सुनने के बाद महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें क्लियर कर दी। इससे शिंदे गुट को फौरी तौर पर बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में शिंदे गुट के विधायकों को लेकर डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी। अब 12 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और डिप्टी स्पीकर से भी जवाब मांगा है। कोर्ट के इस अंतरिम आदेश का सीधा मतलब यह है कि फिलहाल शिंदे गुट के बागियों को डिस्क्वालीफाई और सस्पेंड नहीं किया जा सकता। शिंदे समेत बागी विधायक अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। यानी महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने 16 विधायकों को जो नोटिस पर जवाब की डेडलाइन भेजी थी, अब उसकी कोई वैधता यानी लीगल सैंक्टिटी नहीं रह गई। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, अंतरिम उपाय के रूप में हम डिप्टी स्पीकर की ओर से याचिकाकर्ताओं और ऐसे ही अन्य विधायकों को उनके लिखित जवाब दाखिल करने की समय सीमा शाम 5:30 बजे से बढ़ाकर 12 जुलाई 5:30 बजे तक कर देंगे। अगर गवर्नर को अगर लगा, गवर्नर साहब अगर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सरकार का काम स्टैंड स्टिल हो गया है, तो शायद राज्यपाल महोदय स्पेशल हाउस का सेशन बुला सकते हैं और उसमें तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर शिंदे गुट और शिवसेना की तरफ से भी रिएक्शन आई। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बागी किसी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे, जबकि एकनाथ शिंदे ने इस फैसले को बाला साहेब के हिंदुत्व की जीत बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो दिया गया है और हमेशा जो है वो सत्य परिस्थिति का विजय जो है होता आया है। एक जबल मत की आज भी सत्य का विजय हुआ है और आने वाले समय में ये तो भी पहला स्टेप है। आने वाले बहुत अच्छी न्यूज जो है हम सभी को जो है वो जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। अभी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। हालांकि इस सब के बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि शिंदे गुट को मिली इस फौरी राहत के बाद महाराष्ट्र के सियासी संकट के केंद्र में गवर्नर का रोल काफी अहम हो जाता है। सवाल, क्या आप गवर्नर फ्लोर टेस्ट का आदेश देंगे? क्या शिंदे गुट गवर्नर के सामने शक्ति प्रदर्शन करेगा? क्या शिंदे गुट के दावे के बाद उद्धव को बहुमत साबित करना होगा? असल में किसी भी राज्य में सरकार बनाने या उसे भंग करने का दावा राज्यपाल के पास किया जाता है। चूंकि अब राज्यपाल कोश्यारी कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, कल ही उन्होंने बागी विधायकों की सुरक्षा को लेकर केंद्र के साथ महाराष्ट्र के डीजीपी को भी पत्र लिखा था, इसलिए वो एक्टिव तो है। और अब जब बागी विधायकों पर सस्पेंशन की तलवार नहीं है, इसलिए हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का अगला डेस्टिनेशन गवर्नर हाउस हो। TV9 सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट राज्यपाल को उद्धव सरकार में अविश्वास की चिट्ठी भेजेगा। चिट्ठी में उद्धव सरकार से समर्थन वापसी की जानकारी दी जाएगी। हो सकता है कि मंगलवार को ही राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास की चिट्ठी सौंप दी जाए और इसके बाद के डेवलपमेंट समझना मुश्किल नहीं। संभव है कि गवर्नर के सामने शिंदे गुट विधायकों की परेड करवाए, इसके बाद फ्लोर टेस्ट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में एक और फैसला जो चर्चा का विषय बना हुआ है। एकनाथ शिंदे की अर्जी के दौरान कोर्ट ने कहा, जब तक हम सभी दावों को संतुलित न करें, हम केवल यथास्थिति बरकरार रखना चाहते हैं। हम सभी मसलों पर विचार करेंगे और उसके लिए हमें आपके हलफनामे चाहिए। अब सवाल, क्या जब तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुलझ नहीं जाता, क्या तब तक महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर राज्यपाल आगे की कार्रवाई कर सकते हैं? क्या 12 जुलाई से पहले राज्यपाल एकनाथ शिंदे के गुट के दावे को सही मानकर उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट के अलावा अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति शासन को लेकर के केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज सकता है। हालांकि इसको करने के लिए उनको एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए। राज्यपाल के समक्ष यदि कोई बहुमत होने का दावा करता है
पूछकर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं, लेकिन अपरिहार्य कारण। इसका मतलब तो ये है कि फ्लोर टेस्ट करवाना राज्यपाल का विवेकाधिकार। असाधारण स्थिति में स्पेशल सेशन बुलाने का आदेश गवर्नर दे सकते हैं, और अगर शिंदे गुट के 38 विधायकों के सपोर्ट का दावा सही तो फिर ऐसी सूरत में उद्धव सरकार का बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, कुछ घंटे पीछे जाते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि गेंद राज्यपाल के पाले में कैसे आई। और यह सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आप यह देखेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे जो कैमरामैन है मैं उनसे बोलूंगा थोड़ा जूम इन करके दिखाएं आपको। देखिए शिंदे गुट, सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र सरकार, तीनों पर्सपेक्टिव है और तीनों को समझिए। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर का सदस्यता रद्द का नोटिस गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और वो भी 2 दिन का टाइम दिया था।